हसनैन बेटा खेलो जाओ, रोजा खोलने के लिए कुछ खाने को ले आओ। माँ इतनी महंगाई है, 50 रुपए में कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं बेटा, जो भी मिलेगा हम सब्र शुक्र करके खा लेंगे। पता है ना, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह के नाम पे बेटा। अल्लाह के नाम पे बेटा, फकीर का रोजा। अल्लाह ज्यादा रहे, मला खुश रखे। बेटा गम ज्यादा ना हो, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। आज मैं आपको बताती हूँ, एक रवायत के मुताबिक रमजान का महीना था और हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम रोटियां बना रही थी। उन्होंने 4 रोटियां बनाई और एक रोटी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दी, एक रोटी इमाम हुसैन को, और एक रोटी हजरत अली को। और एक रोटी जब खुद खाने लगी तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आया कि न जाने बाबा ने रोटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी, उनके पास कुछ रोजा खोलने के लिए होगा कि नहीं होगा। कुर्बान जाऊं सरवरे कायनात के पास, दो जहान के वाले। हजरत बीबी फातिमा ने आधी रोटी खाई और आधी रोटी अपने पल्लू में बांध ली। जानते हो क्यों? इसलिए कि उसने सोचा कि पता नहीं बाबा ने रोटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी। वो रोटी लेकर हमारे प्यारे नबी के पास आई, उनको आके रोटी दी। नबी पाक ने फरमाया, फातिमा तूने अच्छा किया कि रोटी ले आई, आज घर में खाने को कुछ न था। जब हमारे नबी पाक ने रोटी खा ली तो हजरत फातिमा फिर रोने लगी, तो आका ने फरमाया, अब क्यों रो रही है फातिमा? तो कहने लगी, बाबा मैं इसलिए रो रही हूँ बाबा कि ना जाने कल आटा होगा कि नहीं, कल मैं रोटी आपके लिए ला सकूंगी कि नहीं। ये सुनना था कि हमारे नबी पाक ने कहा, फातिमा तू फिक्र ना कर, जिस रब ने हमें आज खाने को दिया है कल भी खाने को देगा। पता है ना, हमारा रब हमें भूखा उठाता जरूर है मगर भूखा सुलाता कभी नहीं। मैं पानी लेकर आती। कौन? अल्लाह ही दरवाजा खोलना। अस्सलामु अलैकुम खाला जी। वालेकुम सलाम। की हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। अम्मी ठीक है तेरी? हाँ जी अम्मी भी ठीक है। ते अम्मी अफतारी दा समान भेजा है, असी रोजा खोलन लगे ते अम्मी ने कहा कि पता नहीं उन्होंने कुछ पकाया है कि नहीं, ते आ तुसी रख लो। अम्मी नु कहना बहुत मेहरबानी। ठीक है, मैं बर्तन भाज भिजवा देंगी। कोई मसला नहीं। ठीक, सलाम अलैकुम। वालेकुम। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रजिया मलिक प्रोडक्शन की जानिब से आपको माह रमजान मुबारक हो और अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अच्छे तरीके से रोजे रखेंगे और इंशाल्लाह इसी रमजान की बदौलत हमारी दुआएं अल्लाह पाक सुनेंगे और करीब होके सुनेंगे, हमारी दुआओं को पूरा करेंगे और सारी कोरोना जैसी जो बीमारी है हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी और आप सब बिल्कुल हंसी खुशी हम सब मिलके जो है ईद की खुशियां भी मनाएंगे। और दिल से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को पूरा करे। और नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के हवाले से आपने हमारी आज की वीडियो देखी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपको पता है छोटी सी वीडियो बनाने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत होती है, फिर थोड़ी बहुत उनको एक्टिंग भी आनी चाहिए, फिर बहुत शोर होता है, मतलब हर चीज़ के पीछे एक कहानी छुपी भी होती है, तो उसमें बड़ी मेहनत शामिल होती है, गर्मी भी लगती है, फिर काफ़ी टाइम भी लगता है। तो किसी ने क्या खूब एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपने आर्टिस्ट को मारना हो तो आप उसकी दांत छीन लें, यानी कि आर्टिस्ट की दांत छीनना जो है उसके लिए मौत है। तो आप प्लीज़ दिल खोल कर दांत दीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टल्ली बजाना ना भूलिएगा। आपकी अपनी रजिया मलिक।